नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया और प्रशांत किशोर को लेकर। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आने शुरू हो गए। खबर लिखे जाने तक इन 5 सीटों में से 2 सीटों के नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवार अफाप आलम चुनाव मैदान में आगे चल रहे हैं। बता दें कि कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल हो गए। बता दें कि संजीव कुमार सिंह को 8692 मत मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रंजन कुमार को मात्र 599 वोट मिले हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पहली बरिता के वोटों की गिनती के बाद प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद को पहले राउंड की गिनती में 2016 मत मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार आनंद पुष्कर को 1772 मत मिले हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार जयराम यादव को 1746 मत मिले। बीजेपी यहां पर सबसे पीछे चली गई। आपको बता दें कि सारण निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई की सीट से केदार पांडे यहां से जीत रहे हैं, यानी स्वर्गीय केदार पांडे यहां से जीत रहे हैं, लेकिन उनके निधन के बाद यह सीट जो है खाली हो गई। उसमें यहां पे उपचुनाव हो रहा है। सीपीआई ने स्वर्गीय केदार पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर को यहां पर उम्मीदवार बनाया था। बता दें कि महागठबंधन के तमाम दलों का समर्थन इसमें हासिल था, उसके बावजूद प्रशांत किशोर इस सीट से आगे बढ़े हुए हैं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहां खबर लिखे जाने तक बीजेपी के उम्मीदवार 1500 मत से आगे चल रहे हैं। इस रिजल्ट से एक बात साफ हो गया है कि अगर आप ग्राउंड में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो आपको इसका फायदा मिलने वाला है। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह सिद्ध कर दिया कि आप मैदान में हैं तो आपको इसका परिणाम देखने को मिलने वाला है। प्रशांत किशोर से पहले बिहार में चिराग पासवान और पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव मैदान में आई थी। उन्होंने अपनी पार्टी को बड़े तामझाम के साथ लॉन्च किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, बिहार के विधानसभा में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्या प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एक ऑप्शन के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जन सुराज के माध्यम से आम लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनाई है, यह कई मामलों में राजनीतिक पार्टियों के लिए सोचने पर विवश करने वाला है। क्योंकि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार उस स्थान से जीतकर आए हैं जहां पर सीपीआई के उम्मीदवार को भावनात्मक मत मिलने थे, क्योंकि सीपीआई ने उसी हिसाब से जो है उस पूरे गणित को सेट किया था। स्वर्गीय केदार पांडे के निधन के बाद उनके बेटे को जो है वहां पर टिकट दिया गया था ताकि भावनात्मक मत जो है उनके बेटे को मिले और सीपीआई यहां से जीतने में कामयाब हो सके। लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति यहाँ पे काम आई और एक बार फिर से एक तरह कह लें कि प्रशांत किशोर ने वो दिखाया जो कि 2014 में पीएम मोदी को उन्होंने दिखाया था। कभी ममता बनर्जी के लिए उन्होंने काम किया था, कभी नीतीश कुमार के लिए काम किया था, वो प्रशांत किशोर आज एक बार फिर से बिहार की सियासत में एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रशांत किशोर के आगे किसी भी महागठबंधन हो या फिर बीजेपी की एक न चली और अफाक अहमद चुनाव में लगभग जीतने के करीब हैं। चिराग पासवान के सामने इस बार एक बड़ी समस्या ये है कि लोकसभा चुनाव में वे क्या करेंगे, बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे या फिर खुद की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पुष्पम प्रिया सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव दिखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत ही कम दिखाई देती है। खासकर जो जमीनी मुद्दे हैं वहाँ पर पुष्पम प्रिया को ज़्यादा एक्टिव होकर मैदान में उतरने की जरूरत है। अब वह अपनी पार्टी को एक नई दिशा दे पाएंगी। तो एक तरह से कह लें कि जिस तरह से पुष्पम प्रिया चौधरी, चिराग पासवान हो या फिर अभी जितनी भी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सभी को जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। जन सुराज जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने जो कमाल किया है उसकी चर्चा जो है पूरे मीडिया जगत में है। राजनीतिक जानकार भी उनके इस सीट पर बढ़त बनाने से जो है काफ़ी हैरान दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन और बीजेपी को छोड़ा है, ऐसे में प्रशांत किशोर की चर्चा आम हो गई है। तो एक तरह से कहले प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान और पुष्पम प्रिया चौधरी को राजनीतिक तौर पर पीछे छोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया है। आप इस पूरे प्रकरण को लेकर कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।